सरिस्का बाग परियोजना में चल रहा किसानों का आंदोलन, जिसको आगे बढ़ाते हुए सरिस्का मुख्यालय पर महापड़ाव डालकर धरना स्थल पर ही खाना बनाकर किसानों ने डेरा बसा लिया है। किसानों का कहना है कि जब तक प्रशासन उनकी मांगे नहीं मानेंगे, तब तक रात दिन किसान सरिस्का मुख्यालय गेट के सामने पड़े रहेंगे और जब तक प्रशासन उनकी मांगे नहीं मानेंगे तब तक नहीं हटेंगे। किसानों ने सरिस्का प्रशासन के खिलाफ अब आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए अनिश्चितकालीन सरिस्का मुख्यालय पर पड़ाव डाल दिया है, लेकिन आज अभी तक प्रशासन ने उनकी कोई सुध नहीं ली। इस बात को लेकर ग्रामीणों ने आगे उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सरिस्का में आज दूसरे दिन सरिस्का मुख्यालय पर सैकड़ों किसान, महिला और पुरुष सरिस्का मुख्यालय पर पड़ाव जमा कर बैठे रहे और दिन भर ताश खेलते हुए नजर आए। सरिस्का बाग परियोजना में किसानों और सरिस्का प्रशासन के आपसी टकरार को लेकर ग्रामीणों ने भर्तरी के तिराए से कूच कर सरिस्का मुख्यालय पर मुख्य द्वार के पास ग्रामीण एकत्रित होकर धरने पर बैठ गए। वहीं ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और जहां दूसरे दिन भी ग्रामीणों द्वारा चलाई जा रही जिप्सी या सफारी उनको भी अपने घरों में रोक दिया और आसपास के क्षेत्र के प्रतिष्ठान बंद कर आंदोलन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लेकर आंदोलन का हिस्सा बनी। ग्रामीणों की माने तो वन प्रशासन सरिस्का क्षेत्र में बसे कोर एरिया के गांव वालों को परेशान करते हैं और उनकी 25 सूत्रीय मांगों को लेकर उन्होंने महापड़ाव डाला है। अब ये सरिस्का गेट है, इस पे महापड़ाव डाल रखा है। हमारा बड़ा दुर्भाग्य है, जो काफी दिन से, जो जब से ज्ञापन दे के आए हैं, जब से कोई अधिकारी यही रुचि नहीं ले रहा कि हम किसी से बात करें। कल भी बहुत बड़ी एक सभा हुई, काफी इंतजार के बाद आखिर कोई आया ही नहीं जब ये महापड़ाव की ओर आए। हमारा दुर्भाग्य है और दुर्भाग्य इतना कि शायद कोई अपने फटे कपड़े हों शरीर पे, वह क्या उगाड़ा रह सकता है, निश्चित दूसरा कपड़ा पहरेगा। उस वही स्थिति हमारे गाँव की, अगर हमारी छान उठ गई तो क्या उस छान को हम नहीं बांधेंगे? हमारी दीवार गिर गई, क्या उसको नहीं हम दीवार को चिनेंगे? हमारे बच्चे क्या बरसात में भीजते रहें? सिर्फ यही लड़ाई है, इससे ही टकराव होता है। ऐसी जो विकट समस्या जो पैदा करें, उनको एक छोटी सी समस्या लगती है, हमारी ये विकट समस्या है। ऐसी स्थिति तो इस टकराव की स्थिति बनती है। लोग बागों का आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, आखिर लास्ट में चाहे कैसी भी स्थिति तक पहुंचना पड़े, प्रशासन को मानना पड़ेगा, सरकार को मानना पड़ेगा। ये वही जगह है जो पहले भी 57 दिन धरना हुआ था, वही जगह है जो 11 दिन तक आसपास के कहीं कोई बाजार खुले नहीं थे। डेढ़ डेढ़ दो दो लाख का यहाँ खाना बन रहा था, 25-25 हज़ार की पब्लिक यहाँ पड़ी हुई थी। वैसी स्थिति ये शायद प्रशासन और वन विभाग वाले लाना चाहते हैं। तमाम बुजुर्ग आदमी, जिम्मेवार आदमी, सैकड़ों गांवों से जो जिम्मेवार आदमी हैं धरने पर पड़े हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में सोचना प्रशासन को है कि आगे कैसी स्थिति पैदा करे, सोचनी सरकार को है। वन विभाग ने तो सोच रखी है कि 24 घंटे ऐसी स्थिति है कि उनके लिए के तो सरिस्का कल उजड़े जो आज ही उजड़ जाए, पर हमारी सोच ये है कि सरिस्का जहाँ तक बचे बिल्कुल हम बचाने की कोशिश करते हैं। देखो, प्रशासन तो हमें मजबूर कर रहा है आंदोलन करने के लिए। प्रशासन वार्ता करने के मूड में है ही नहीं, वो हमारी सुनने के मूड में है ही नहीं, वो तो हमें मजबूर कर रहा है। मजबूर होकर ही हमें ये आंदोलन करने पड़ रहे हैं। अगर प्रशासन ने ये इसी तरह का रवैया रखा तो हमारा आंदोलन उग्र भी हो सकता है और पता नहीं फिर पब्लिक का मूड कैसा हो जाए। हाँ, खाना वगैरह यहीं बनेगा और बनता रहेगा, रात और दिन यहीं रहेंगे और पब्लिक बढ़ती रहेगी, हमारी दिनों दिन हमारी गैदरेज बढ़ती जाएगी। अतरे हमारा नहीं काम, पैसा तो नहीं होगा ने, अतरे में कभी उठ नहीं जाएगा। हम ना तो दूफड़े बना पा दे रहा, न हमारा कोई बाल बच्चा थाने गाल ले जाओ, तुम्हारा नहीं जा पा जा, कोई साधन नहीं निकल पा दे रहा। अतरे हमारा नहीं पैसा, अतरे नहीं उठा, न गाड़ी निकल पा जा, हम यहाँ रहेंगा, जब भी नहीं उठा, कतरे नहीं पैसा, उतरा नहीं उठाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगा, नहीं कदमी नहीं उठाऊंगा, नहीं पैसा बीमारी जिम लकड़वा दी